बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का टॉपिक है पावर सप्लाई फिल्टर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलसी फिल्टर एंड पाई फिल्टर। इससे पहले हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर एंड इंडक्टर इनपुट फिल्टर को डिस्कस कर चुके हैं, और हमने देखा कि कैपेसिटर इनपुट फिल्टर जब लोड रेजिस्टेंस हाई हो तो वो अफेक्टिव होता है, जबकि लोड रेजिस्टेंस अगर स्मॉल हैं तो फिर इंडक्टर फिल्टर अफेक्टिव रहता है। तो अब अगर हम उस कॉम्बिनेशन एल और सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर को मिला के एक फ़िल्टर बनाते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर द कैपेसिटर रिड्यूसेस द रिपल वोल्टेज बट कॉजेज द डायोड करंट टू इंक्रीज। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर जो है वो रिपल वोल्टेज को तो कम कर देता है, लेकिन वो डायोड जो रेक्टिफाइड वोल्टेज लेने के लिए हमें डायोड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और डायोड्स का जो करंट है और पीक इन्वर्स वोल्टेज है उन दोनों को कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज कर देता है। ऑन द अदर हैंड अ सिंपल सीरीज इंडक्टर रिड्यूसेस बोथ द पीक एंड अफेक्टिव वैल्यूज ऑफ आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। जबकि इंडक्टर जो है उसको जब हम एज फिल्टर यूज़ करते हैं तो वो पीक वैल्यू और अफेक्टिव वैल्यू दोनों ही को रिड्यूस कर देता है, सिग्नल की आउटपुट सिग्नल की पीक वैल्यू और अफेक्टिव वैल्यू दोनों को रिड्यूस कर देता है। इफ़ बोथ एल एंड सी फिल्टर्स आर कम्बाइंड एंड एल सी फिल्टर कैन बी डिज़ाइन टू हैव अ गुड एफिशिएंसी। अगर हम एल और सी दोनों को मिला लें तो उनके कॉम्बिनेशन से हमें एक अच्छा फिल्टर मिल सकता है, जिसे आप एल सी फिल्टर कहते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, एल सी फिल्टर बनाने के लिए हम रेक्टिफाइड आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, जो कि पहले प्रोवाइड होगी किसको, एल को यानी इंडक्टर को। इंडक्टर के बाद जो है वो जाएगी कैपेसिटर को, और कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी वोल्टेज अपीयर होगी वो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में रेक्टिफाइड आउटपुट है, रेक्टिफाइड आउटपुट के बाद एलसी फिल्टर है, एलसी फिल्टर के बाद जो आपको आउटपुट मिल रही है वो फिल्टर्ड आउटपुट है। उसमें वेरिएशन है लेकिन वेरिएशन बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। द एक्शन ऑफ इनपुट एलसी फिल्टर इज लाइक अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर की तरह का इसका एक्शन है। द कैपेसिटर इज शंटिंग द लोड एंड बाईपासेस द हार्मोनिक करंट्स एज इट ऑफर्स वेरी लो रिएक्टेंस टू ए सी रिपल करंट एंड अपीयर्स एज एन ओपन टू डी सी करंट। कैपेसिटर जो है वो लोड को शंट कर रहा है, यानी कैपेसिटर को अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो कैपेसिटर ग्राउंडेड है और ये एक शंट पाथ या एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है टू द लोड रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि जो एसी कंपोनेंट्स हैं उनको ये कैपेसिटर ग्राउंड कर देगा, उनको अलाउ, उनको बहुत ही स्मॉल रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा और वो जो है वो ग्राउंड हो जाएंगे। एसी कंपोनेंट्स आउटपुट में से कैपेसिटर उन्हें ग्राउंड कर देगा, और डीसी कंपोनेंट्स के लिए ये एक ओपन के तौर पे एक्ट करता है, यानी डीसी कंपोनेंट्स को ये गुजरने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो वो तमाम डीसी कंपोनेंट्स जो इंडक्टर में से गुजर के आएंगे वो लोड की तरफ चले जाएंगे और कैपेसिटर जो है वो उनको अलाउ नहीं करेगा। द इंडक्टर ऑफर्स हाई इम्पिडेंस टू द हार्मोनिक टर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द रिपल वोल्टेज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लोड वोल्टेज। इंडक्टर जो है वो जितनी भी हार्मोनिक टर्म्स हैं उनको यानी वेरिएशन को वो अपोज करता है, एसी कंपोनेंट्स को अपोज करता है। सबसे पहले ये इंडक्टर जो है ये एसी कंपोनेंट्स को अपोज करेगा। जब इंडक्टर एसी कंपोनेंट्स को अपोज करेगा और डीसी कंपोनेंट्स को पास होने देगा, उसके बाद जो आउटपुट है उसमें से जो एसी कंपोनेंट्स हैं फर्दर कैपेसिटर उनको ग्राउंड कर देगा, और इस तरह से बहुत हद तक प्योरीफाइड डीसी जो है वो लोड के पास चली जाएगी। चोक इनपुट फिल्टर या एल सेक्शन फिल्टर भी इसे कहते हैं। इसका
अब हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. द मेन एम ऑफ द फिल्टर इज़ टू सप्रेस द हार्मोनिक कंपोनेंट्स. इसका जो मेन एम है, जाहिर है, वो हार्मोनिक्स को सप्रेस करना है, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है. सो द रिएक्टेंस ऑफ द चोक मस्ट बी लार्ज एज कम्पेयर टू पैरेलल कंबाइंड पैरेलल इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर. तो इसलिए हम सबसे पहले इस आपको पता है कि जो अगर इंडक्टर की इंडक्टेंस हाई होगी, XL इज इक्वल्स टू 2πfL. नॉर्मल रूटीन में XL जो है, रिएक्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, एंड 2πfL, L भी आता है इसमें. तो अगर L हाई होगा, यानी इंडक्टेंस हाई होगी, तो रिएक्टेंस भी हाई होगी. तो अगर हम इंडक्टेंस की रिएक्टेंस को हाई रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत से पहली स्टेज पे ही रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स या वेरिएशंस जो हैं वो यहीं पे ही ब्लॉक हो जाएंगी. इंडक्टर उनको हाई इम्पीडेंस देगा और वो यहीं पहले स्टेप पे ही ब्लॉक हो जाएंगी, और फिर जो रह जाएंगी वो जाएंगी कैपेसिटर की तरफ, और कैपेसिटर जो है उसमें से फर्दर एलिमिनेट कर देगा, एसी कंपोनेंट्स को गुजरने देगा, डीसी को नहीं जाने देगा. तो वो एसी कंपोनेंट्स जो हैं वो कैपेसिटर में से गुजर के ग्राउंड हो जाएंगे. तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले स्टेप में हमें इसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इंडक्टर की इंडक्टेंस को हाई रखें. इंडक्टेंस हाई होगी तो रिएक्टेंस हाई होगी, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को लो रखें. जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लो होगी तो उससे वो उसकी रिएक्टेंस लो हो जाएगी, उसकी रिएक्टेंस टुवर्ड्स एसी कंपोनेंट्स लो होगी, और इस तरह लो रिएक्टेंस की वजह से इजीली एसी कंपोनेंट्स इस कैपेसिटर में से गुजर सकेंगे. तो ये दो काम करने हैं. एक्सएल शुड बी वेरी हाई एज कंपेयर टू एक्ससी, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आर एल शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स सी, यानी जो लोड रेजिस्टेंस है उसे एक्स सी यानी कैपेसिटर की निस्बत हाई होना चाहिए. लोड रेजिस्टेंस जो है उसका काम क्या है, वो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है टुवर्ड्स डीसी. तो अगर लोड रेजिस्टेंस हाई होगा तो मोस्टली जो एसी है वो गुजर जाएगी टू कैपेसिटर में से, और जो डीसी है वो चले जाएगी लोड की तरफ. तो ये दो काम, एक्सएल शुड बी वेरी वेरी हाई देन एक्ससी एंड आरएल शुड बी वेरी वेरी हाई देन एक्ससी. द एसी करंट थ्रू एल इज डिटरमिन्ड बाय, अब सबसे पहले बात तो ये कि हम पहले तो इंडक्टर आ गया. इंडक्टर के रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें वी आर आर एम एस यानी कि रिपल वोल्टेज का रूट मीन स्केयर कंपोनेंट चाहिए. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो एसी कंपोनेंट्स हैं उन वो प्रोवाइड हो, उनके सामने सबसे पहले इंडक्टर आ रहा है. तो इंडक्टर को जो मिलेगी इनपुट वो रेक्टिफाइड आउटपुट होगी, और वो रेक्टिफाइड वोल्टेज जो है हमने पिछले इन केस ऑफ इंडक्टर हमने देखा कि जो वोल्टेज अपीयर होती है अक्रॉस द इंडक्टर उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल्स टू 2VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय पाई, जो कि कांस्टेंट डीसी कंपोनेंट है, माइनस 4VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय 3π cos 2 ओमेगा t. ये हमने पीछे ये सेकंड हार्मोनिक तक हमने फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर देखी थी, और वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. अब चूंकि पहला पार्ट उसमें था 2VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय पाई दैट इज VDC, और सेकंड जो उसमें कंपोनेंट था वो AC कंपोनेंट था जिसको हमने रिपल वोल्टेज कहा था VR, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 4VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय 3π, जिसमें से cos 2 ओमेगा t की वैल्यू आपने 1 रखी है, तो वो बच गया 4VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय 3π. तो ये वो वोल्टेज का कंपोनेंट है, एसी वोल्टेज का वो कंपोनेंट है जो मैक्सिमम है, और जो इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई हो रही है ये वो है. अब इस वोल्टेज के की वजह से जो करंट होगा उसको आप क्या कहेंगे, आई आर आर एम एस. आई आर आर एम एस के लिए आई आर तो हो गया 4VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय 3π डिवाइडेड बाय 1 ओवर एक्सएल.
एक्सएल हो गई रिएक्टेंस और ये हो गई वोल्टेज, और ये जो स्केयर रूट ऑफ टू है ये रूट मीन स्केयर वैल्यू की वजह से यहाँ पे आया है, क्योंकि हम रूट मीन स्केयर वैल्यू ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ टू आया है, जबकि बाकी ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस है। अच्छा, अब इसमें हम सिर्फ एक्सएल क्यों ले रहे हैं, यानी रिएक्टेंस जो है वो तो हमें कंबाइंड रिएक्टेंस लेनी चाहिए, क्योंकि एल और सी दोनों की कंबाइंड इम्पिडेंस होती है स्केयर रूट ऑफ एक्सएल स्केयर प्लस एक्सी स्केयर, ये हमारी कंबाइंड इम्पिडेंस होती है। लेकिन यहाँ पे हम कंबाइंड इम्पिडेंस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि एक्सएल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सी, तो इसलिए अगर एक्सएल बहुत हाई है तो हम एक्सी को इग्नोर कर सकते हैं। जब आप एक्सी को इग्नोर करेंगे तो ये रह जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्सएल का स्केयर, और उसमें स्केयर और स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ रिएक्टेंस आपके पास आ गई एक्सएल। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, यानी अब आपके पास एक तो इसमें वोल्टेज आ गई, वो मैंने बता दिया कहाँ से आई है, फिर स्केयर रूट ऑफ टू इसमें रूट मीन स्केयर की वजह से आया है, और एक्सएल जो है इसमें ये इट इज़ ड्यू टू इम्पिडेंस। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि अगर 2VP रेक्टिफाइड, 4 में से 2 ले लें और VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय पाई, ये चीज़ जो है ये VDC कहलाएगी, तो बाकी क्या बच जाएगा, 2 बचेगा और इधर से 3 स्केयर रूट ऑफ 2 बचेगा। तो ऊपर 2 और नीचे स्केयर रूट ऑफ 2, इनको अगर आप कैंसिल आउट करें तो नीचे वाला स्केयर रूट 2 ऊपर, जब 2 के साथ कैंसिल होगा तो स्केयर रूट ऑफ 2 ऊपर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 3XL VDC। ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये इतने ये आप खुद करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये आई रूट मीन स्केयर रिपल करंट आपके पास आ गया। अब हमारे पास है कि ये इतना करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा, इस सर्किट में से ये करंट फ्लो करेगा, अब ये जो करंट है अब हमें चाहिए, ये करंट इस सर्किट में ऐसे करके यूँ पास कर रहा है L से C के दौरान, अब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस कैपेसिटर वही वोल्टेज होगा अक्रॉस द लोड, क्योंकि लोड और कैपेसिटर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस कैपेसिटर उतना ही लोड होगा, तो लोड पे हमें फाइनली एसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें वो वोल्टेज देखनी पड़ेगी जो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। तो कैपेसिटर में से अब करंट कितना गुजर रहा है, IRRMS, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस कितनी है, XC, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, तो हमारे पास आ गई VRRMS, और ये IRRMS की वैल्यू आपने पुट की, मल्टीप्लाई किया XC के साथ, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आपके पास VRRMS आ गया, तो रिपल फैक्टर क्या होता है, VRRMS डिवाइडेड बाय VDC, तो आप इसको, इस वैल्यू को VDC से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास जो है VDC कैंसिल, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 2 3XL XC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपल फैक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द XC एंड XL। फर्दर आप XC और XL की वैल्यू पुट कर लें, XC और XL की क्या वैल्यू होती है, XC इज इक्वल्स टू 1/2 ωC इन दिस केस, वैसे तो 1/ωC होती है लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल है, तो ये 1/2 ωC हो गया, और XL क्या होता है, 2 ωL। ये दोनों वैल्यूज़ जब आप यहाँ पे XL और XC की जगह पुट करेंगे तो आपके पास रिपल फैक्टर आ रहा है 1/6 के रूट ऑफ 2 ω² LC। ठीक है, ये रिपल फैक्टर आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, यानी इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि अगर आप कंपेयर करें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी हाफ होती है एज कंपेयर टू फुल वेव, तो उसमें ओमेगा लो होगा, अगर ओमेगा लो होगा तो आर भी उसमें लो होगा, तो इसका मतलब है कि ये फिल्टर जो है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के साथ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन दैट केस रिपल फैक्टर स्मॉल होगा, और हमारा मकसद क्या होता है, रिपल फैक्टर को स्मॉल रखना। इसके अलावा रिपल फैक्टर डिपेंड कर रहा है एल और सी की वैल्यू पे, देखें यहाँ पे ये लोड की वैल्यू पे, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए इन केस के अगर आप लोड रेजिस्टर पे डिपेंड नहीं करना चाहते सर्किट का, हम कम या ज़्यादा वेरिएबल लोड यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे आप ये सर्किट जो है एस फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर है वो है पाई फिल्टर। पाई फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉमनली। पाई का वर्ड जो है
ये ग्रीक लेटर पाई से इसकी रेजेम्बलेंस की वजह से है, क्योंकि हम इसमें C1 C2 दो कैपेसिटर लगा रहे हैं और एक इंडक्टर L लगा रहे हैं, और इनको इस तरह से हम कंबाइन कर रहे हैं कि ये लेटर पाई बन रहा है। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये C1 और ये इंडक्टर L और फिर ये C2, और इस तरह से करने से ये लेटर पाई की शक्ल इसने बना ली। द रेक्टिफाइड आउटपुट इज़ प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द शंट कैपेसिटर C1। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो ये C1 को प्रोवाइड होती है। C1 यानी शंट कैपेसिटर C1 को रेक्टिफाइड आउटपुट प्रोवाइड होगी, और ये C1 उसके लिए एज कैपेसिटर फिल्टर जो है वो बिहेव करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये फिल्टर टू पार्ट्स में है, कि अगर आप इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर और LC दोनों को अलग कर दें, तो ये दो कप ये देखें, यहाँ से अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो आपके पास ये अलग हो गया, ये सिर्फ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, और उसके बाद जो दूसरा है इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलके बना हुआ ये पार्ट जो है ये LC फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। तो आप कह सकते हैं कि पाई फिल्टर कैसे बनता है, एक कैपेसिटर फिल्टर और LC फिल्टर को कंबाइन करने से पाई फिल्टर जो है वो बन जाता है। फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग लो रिपल परसेंटेजेस, अगर आपको रिपल बहुत ही कम चाहिए, हमने देखा कि कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर की निस्बत LC फिल्टर का रिपल फैक्टर ज़्यादा स्मॉल था, तो अगर हमें उससे भी ज़्यादा स्मॉल रिपल्स चाहिए, उससे भी रिपल फैक्टर उससे भी ज़्यादा स्मॉल चाहिए, तो फिर हम दो तरह के फिल्टर्स को का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। कैस्केडेड एक्शन है इसका, यानी एक फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पर फिल्टर होगी वोल्टेज अक्रॉस C1, और उसके बाद वो फर्दर फिल्टर होगी ड्यू टू LC। तो इस तरह से कैस्केडेड एक्शन में ये फिल्टरिंग एक्शन जो है वो होगा, और उससे आपकी रिपल परसेंटेज और ज़्यादा कम हो जाएगी आउटपुट में। इसको CLC फिल्टर भी कहते हैं, और ये इसमें है द रेक्टिफाइड आउटपुट इज पल्सेटिंग कंटेन्स बोथ DC एंड AC कंपोनेंट्स। द कैपेसिटर C1 ऑफर्स अ लो रिएक्टेंस टू AC कंपोनेंट बट इट ब्लॉक्स DC कंपोनेंट। सबसे पहले कैपेसिटर C1 है वो इनपुट जो उसको इनपुट मिलेगी, यानी जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो एज इनपुट C1 को मिलेगी, तो उसमें से कैपेसिटर C1 क्या करेगा, वो उसको उसमें से लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा वेरिएशंस को या AC कंपोनेंट्स को। तो बहुत से AC कंपोनेंट्स जो हैं वो कैपेसिटर C1 से फ्लो होके ग्राउंड हो जाएंगे। उसके बाद C1 बाईपासेस सम अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट टू ग्राउंड वाइल DC कंपोनेंट रीचेस टुवर्ड्स इंडक्टर L। और उसके बाद यानी कुछ कंपोनेंट्स बाईपास हो गए, C1 ने बाईपास कर दिए ग्राउंड की तरफ, और बाकी जो रह गए वो इंडक्टर की तरफ चले गए। द इंडक्टर L ऑफर्स वेरी हाई रिएक्टेंस टू AC कंपोनेंट एंड लो रिएक्टेंस टू DC कंपोनेंट। उसके बाद इंडक्टर L जो है वो क्या करेगा, AC कंपोनेंट्स को अपोज करेगा, उनको बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टेंस देगा और अपने में से अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, और DC कंपोनेंट्स को वो लो रिएक्टेंस देगा। DC कंपोनेंट्स उसमें से इजीली पास हो जाएंगे और AC कंपोनेंट्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। द कैपेसिटर C2 फर्दर बाईपासेस द AC कंपोनेंट्स विच कैनॉट बी ब्लॉक्ड बाई इंडक्टर। अब जो इंडक्टर से भी जो फर्दर फिल्टर्ड वोल्टेज में रह गए, तो उनको C2 कैपेसिटर जो है वो लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा, उस लो रिएक्टेंस की वजह से वो C2 कैपेसिटर में से गुजर के ग्राउंड हो जाएंगे। यानी लोड तक पहुंचते तीन स्टेप में जो आपके रेक्टिफाइड आउटपुट है वो बहुत हद तक फिल्टर हो चुकी होगी, और बहुत ही स्मॉल AC कंपोनेंट्स उसमें रह गए होंगे। When compared to other type of filters, the pi filter has some advantages like higher DC voltage. यानी इस फिल्टर से बाकी फिल्टर्स के निस्बत ये आपको सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू DC वोल्टेज की दे सकता है, एंड स्मॉलर रिपल फैक्टर, और सबसे स्मॉल रिपल फैक्टर इस फिल्टर का होता है। बट इट ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस लाइक पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, हाई पीक डायोड करंट एंड हाई पीक इनवर्स वोल्टेज। आप इसमें देख सकते हैं कि यह एक पाई फिल्टर है, और पाई फिल्टर में ये सबसे पहले आप देखें कि फुल वेव रेक्टिफायर है, अनफिल्टर्ड आउटपुट वोल्टेज है फ्रॉम द रेक्टिफायर,
और जब वो वोल्टेज कैपेसिटर C1 के अक्रॉस किसी हद तक फिल्टर हुई तो वो इस तरह से रह गई। ये एक ट्रायंगुलर वेव है आप जानते हैं। उसके बाद फर्दर जब वो C2 तक गई तो वो C2 के अक्रॉस वो फर्दर उसमें देखें कि वेरिएशंस और ज़्यादा रिमूव हो गई और वो एक कांस्टेंट लेवल DC की तरह उसने बिहेव किया। अच्छा, अब इसका रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इसमें टू स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम VRMS, हमें VRMS कैलकुलेट करनी पड़ती है। VRRMS पहले हम C1 के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे और फिर हम LC2 के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से हम फिर इसका रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आ गए C1 के अक्रॉस, हमने रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है रिपल वोल्टेज की, यानी AC कंपोनेंट की रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम एक कैपेसिटर फिल्टर सर्किट देखें तो उसमें पीक टू पीक जो रिपल है दैट इज नियरली इक्वल्स टू IDC/2FC। ये रिलेशनशिप जो है ये कैसे आया, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे बता सकते हैं कि सिंस क्यू इज इक्वल्स टू CVR पीक टू पीक वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज या डिस्चार्ज होता है, तो उस दौरान उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वो डिपेंड करता है किस पे, वी क्यू इज इक्वल्स टू CVR पीक टू पीक, यानी चार्ज डिपेंड कर रहा है रिपल वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू पे। अच्छा, अब चार्ज जो है उसको अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल है, IDC, यानी IDC को आप I एवरेज भी कह सकते हैं कि एवरेज करंट, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन उसमें आएगी, तो फिर हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू IDC मल्टीप्लाई बाय T एवरेज। T एवरेज मतलब वो टाइम जो एक पीक से, एक पीक वैल्यू से दूसरी पीक वैल्यू तक, यानी समझें कि यहाँ पे हमने लिया है कि हेयर द करंट एंड द टाइम आर टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्ज अंटिल मिनिमम वोल्टेज ऑन द फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, यानी हम यहाँ पे जो एवरेज टाइम ले रहे हैं वो उस वक्त से शुरू कर रहे हैं कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। यहाँ से देखें, हम यहाँ से टाइम ये वो टाइम है पहला वाला जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है और यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उसके बाद वो फिर चार्ज हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। तो ये वो जो टाइम है इसको हम कह रहे हैं इस वक्त, ये करीबन इसको हम अप्रोक्सीमेटली इस वक्त हम T/2 के इक्वल ले रहे हैं, यानी ये जो टाइम है, टाइम इंटरवल जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, अगर एक फुल साइकिल का टाइम, टाइम पीरियड T है, तो इस टाइम को अप्रोक्सीमेटली हम T/2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे एवरेज टाइम को हम कहेंगे T/2। तो ये दोनों वैल्यूज़, Q की वैल्यू आप इधर पुट कर दें, IDC एवरेज इज इक्वल्स टू CVR पीक टू पीक रह जाएगा, और उसके बाद आप इसमें पुट कर दें ये T एवरेज की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू T/2, और T/2 जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2F भी लिख सकते हैं। तो आपने T की वैल्यू 1/2F यहाँ पे अगर पुट कर दें ऐसे, तो ये आपके पास आ जाएगा IDC डिवाइडेड बाय 2F, और इसको आप उठा के जो इस जगह पे पुट कर दें, इधर यहाँ पे Q की वैल्यू में, तो आपके पास VR पीक टू पीक बन जाएगा IDC/2FC। ये आपके पास इन दिस केस के अगर आप सिर्फ कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास पीक टू पीक रिपल वोल्टेज आएगी IDC/2FC। अब यहाँ पे अगर आप कैपेसिटर का नाम C1 है तो ये 2FC1 होगी। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर फिल्टर इज ट्राइंगुलर, हमें ये पता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो, इसको अगर हम इस वेव को अप्रोक्सीमेट करें तो ये एक ट्राइंगुलर वेव बन रही है, ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस
जो वेव है ये एक ट्राइंगुलर वेव कहलाती है। तो ये एक ट्राइंगुलर वेव बन रही है, और इस ट्राइंगुलर वेव को अगर आप फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम अगर इसका एनालिसिस करें, तो ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 आपके पास आएगी VC1 इक्वल्स टू VDC माइनस VR पीक टू पीक डिवाइडेड बाय पाई साइन 2 ओमेगा t। ठीक है, अगेन इसमें हम हायर हार्मोनिक्स को निग्लेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टू इसके टर्म्स रह जाएंगी, जिसमें पहली टर्म तो कांस्टेंट VDC है, जबकि दूसरी टर्म जो है ये आपकी रिपल यानी वेरिएशन को डिनोट कर रही है। और अगर इसमें से अगर आप मैक्सिमम देखें कि ये जो वेरिएशंस है या मैक्सिमम एसी कंपोनेंट इसमें क्या होगा, वी आर पीक टू पीक डिवाइडेड बाय पाई होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, हम इसको 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट आ जाएगा वी आर पीक टू पीक डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है जी, ये आपके पास वोल्टेज आ गई। अब इसमें वी आर पीक टू पीक की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से अगर पुट करें, इन केस ये दिस इज ओनली फॉर कैपेसिटर, वी आर पीक टू पीक डिवाइडेड बाय पाई, तो ये क्या बन जाएगा, आई डी सी ओवर 2 पाई FC1। तो ये मैक्सिमम एसी कंपोनेंट की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट है। तो अगर आपके पास अपने इसके रूट पिन स्केयर वैल्यू लेनी है, तो फिर आपको इसको स्केयर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपके पास आ जाएगा वी आर आर एम एस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 2। अब इसी वैल्यू को आप स्केयर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दें, कुछ मैथमेटिकल स्टेप करेंगे यहाँ पे, और मैथमेटिकल स्टेप करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 2 आई डी सी एक्स सी वन। इसमें एक्स सी वन कैसे आया, एक्स सी वन इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा C1। ठीक है जी, तो इसमें से हमने क्या किया, ये 2 लिया और 2 ओमेगा C1 जो है उस दैट इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 4 पाई FC1 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा C1 हो जाएगा। तो आप इसको रिवर्स में पुट करके XC1 बना लेंगे। तो कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, जस्ट ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमें लेना है, हमें इसी तरह से हमने यहाँ पे वी आर आर एम एस कैलकुलेट कर ली। अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे वी आर आर एम एस कैलकुलेट करनी है, और अगर हम इस पहले वाले को कहेंगे वी आर आर एम एस, तो उसको हम यहाँ पे जो एसी कंपोनेंट वोल्टेज का आएगा उसे हम कह लेते हैं वी आर आर एम एस प्राइम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि अब जो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज थी, इस पॉइंट पे हमें मिली वी आर आर एम एस, वो अब कहाँ पे इम्प्रेस हो रही है, वो जाके इम्प्रेस हो रही है एल और सी टू पे, एल सी टू पे ये जाके इम्प्रेस हो रही है। अब इसके इस इसके इसको देखते हैं। अब ये जो दो हैं, आप इसको देखें कि ये एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बन गया। ठीक है, अगर हमें C2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो हम C2 के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई कर लें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास वोल्टेज है वो है वी आर आर एम एस। ठीक है, और उसमें से अगर आपने कैलकुलेट करनी है कि एक्स ये C2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये वो अप्लाई करके आपने VRMS कैलकुलेट कर ली। यानी अगर आपको C2 के अक्रॉस कैलकुलेट करनी है, तो ये बन गया XC2 डिवाइडेड बाय XL प्लस XC2 VRMS। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो है इतने वी आर आर एम एस प्राइम जो है, ये वोल्टेज C2 के अक्रॉस अपीयर होगी, और उतनी ही वोल्टेज लोड के अक्रॉस अपीयर होगी। यहाँ पे जी है कि एज XL इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन XC2, XL जो है वो XC2 से, हमने पिछले LC में भी यही कहा था कि हमें इंडक्टर की रिएक्टेंस एज कम्पेयर टू कैपेसिटर ज़्यादा रखनी पड़ती है। वैसे भी चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हाई की वजह से इंडक्टर ज़्यादा रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर, तो इसलिए हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में XC2 को
इग्नोर कर देते हैं। अगर हम xc2 को डिनोमिनेटर में से इग्नोर कर देते हैं, हम xc2 जो है एज कम्पेयर टू xl बहुत स्मॉल है, तो हम इसको इग्नोर कर दें तो ये बाकी का क्या रह जाएगा, वी आर आर एम एस प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स सी टू डिवाइडेड बाई एक्स एल रह गया, एक्स सी टू जो है वो इग्नोर हो गया। तो बाकी आप इसमें एक्स सी टू और एक्स एल की ये ऐसे आ जाएंगे, और वी आर आर एम एस जो आपने पिछले पेज पे कैलकुलेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ टू आई डी सी एक्स सी वन वो आप पुट कर देंगे यहाँ पे। अब फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं, ये सिंप्लीफिकेशंस जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आपके पास जो है वो रिपल फैक्टर आ गया। रिपल फैक्टर जो है उसको आप देखें तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ टू एट ओमेगा क्यूब सी वन सी टू आर एल, यानी पाई फिल्टर हायर फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। वो हायर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल जब आप यूज़ करेंगे तो आप उनको पाई फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिपल फैक्टर स्मॉल आएगा। इसके अलावा पाई फिल्टर जो रिपल फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस, C2 की कैपेसिटेंस और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ पे, इन तीनों वैल्यूज़ पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये आपको सबसे स्मॉल रिपल फैक्टर ये फिल्टर आपको दे रहा है और इसकी परसेंटेजेस एफिशिएंसी की बाकी फिल्टर्स के निस्बत ज़्यादा है।